अरे स्पॉट था कोई जी। ये ऐसा सीक्वेंस है कि महाशिवरात्रि हमारी फैमिली भी सेलिब्रेट कर रही है, तो एक ऐसी पूजा हो रही है जिसमें घर का सबसे जो यंग जोड़ा है वही बैठेगा और पूरे वस्त्रों में बैठेगा, पूरे कपड़ों में बैठेगा, जो शिव जी और पार्वती जी के जो कपड़े हैं, तो उस गेटअप में बैठेंगे एंड पूजा करेंगे। एंड फिर से जैसे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि में, तो वैसे ही उनका भी हो। तो ये सीक्वेंस है एंड इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी आएगा। अब वो क्या आएगा तो उसके लिए आपको मन सुंदर देखना। आप पार्वती बनी हैं और जी जी, इससे पहले तो मुझे घर से निकाल दिया गया था, तो बहुत मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। निहार जी खुद मुझे ये कपड़े लाके दिए हैं और उन्होंने बोला है कि तुम पार्वती बन रही हो, और मैं सब कुछ भूल गई क्या हो रहा है। अमृता और निहार, बस दोबारा से शादी हुई हमारी, और ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है रुचिता के लिए, क्योंकि उसके लिए निहार से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है शो में कि शिव जी और पार्वती जी के रूप में शादी हुई है महाशिवरात्रि वाले दिन। बहुत बहुत सुंदर से हम लोगों ने शॉट किया है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा एपिसोड आएगा। ये अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग रियली स्पेशल। देखो ट्विस्ट और टर्न तो पार्ट होता है लाइफ का भी एंड हमारे टीवी शो का भी, तो अब अगर ट्विस्ट और टर्न्स नहीं आएंगे तो आई थिंक निहार को भी एहसास नहीं होगा कि वो रुचिता से प्यार करता है, और रुचिता को भी एहसास नहीं होगा कि निहार जी उससे कितना प्यार करते हैं। तो आई थिंक ट्विस्ट एंड टर्न्स आना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सबको लोग पसंद भी कर रहे हैं जितना हमें इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक इट वर्क्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी जी, मैं ज़रूर बनाता हूँ। मैं रात को मंदिर जाता हूँ एंड मैं वहाँ पे पूजा करता हूँ शिव भगवान की, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भगवान को मानता आया हूँ, मेरा तो नाम भी शिवम ही है। तो हाँ, मतलब मैं तो मानता हूँ शिवरात्रि। हाँ, मैं पूजा करती हूँ, ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ पूजा करती हूँ। अगर मैं एज अ शिव हूँ तो मैं आई थिंक सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जो करो अपने दिल से करो, एंड जैसे शिव जी भगवान थे थोड़े केयर फ्री टाइप के थे और मतलब जुनूनी आदमी थे, वैसे ही ज़िंदगी को जियो और डर के काम मत करो कोई भी लाइफ। ये भी यही बोलना चाहूँगी, अच्छा करो, अच्छा सुनो, सबके लिए भला सोचो और भला करो, कुछ बुरा मत सोचो किसी के लिए, इंटेंशन प्योर रखो हमेशा, चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं। सर,
हर हर महादेव। मन सुंदर की निहार और निहार गोयल और रुचिता गोयल की तरफ से आप सभी को, पूरी टीम की तरफ से, मन सुंदर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए मन सुंदर 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीम। मनाई जा रही है घर में, तो क्या ये माहौल क्या चल रहा है घर में? घर में तो हर बरस शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नॉर्थ से हैं, मैं कानपुर से हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका महत्व है हम लोग के जीवन में। और इस साल क्योंकि मैं इस वक्त शूट कर रही हूँ लेकिन उपवास भी रहना है, तो बहुत सारी प्लानिंग भी दिमाग में चल रही कि क्या क्या तैयारी करके आना है कि सारा दिन दिक्कत ना हो। आप शिवरात्रि का शूट हो रहा है आपके शो के अंदर भी, तो क्या कहेंगे इस सीन के बारे में? सीन तो काफ़ी प्यारे हैं, मतलब सामने शिव पार्वती को हम जब देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है देख के। वो जिस गेटअप में वो लोग आए हैं वो एक्चुअली लग भी वैसे रहे, बट अमृता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगे तो शी इज़ नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स। और आगे वो क्या करेगी, मतलब कि कुछ और ड्रामा हो, वो सब देखने के लिए आपको मन सुंदर देखना पड़ेगा। रोल पसंद कर रहे हैं अमृता को, लोग पसंद कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं? मुझे वैसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग नेगेटिव, तो उसमें भी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे और एक्साइटमेंट हो गई है कि अगर ये सच में नेगेटिव अच्छा जा रहा है तो मे बी आगे मैं और करने का सोच भी सकती हूँ। लोग बहुत देख रहे हैं दंगल टीवी और सारे।
शो देख रहे हैं मन सुंदर की, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आप देखते रहिए, क्योंकि हमारे सीरियल में हमेशा कुछ नया होता आया है और आगे भी नया होता रहेगा। जैसे शिवरात्रि में भी हम इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सारे रिचुअल्स के साथ, और सब लोग इतना खुश है, तो देखते रहिए मन सुंदर। हाँ जी, नमस्ते, मैं हूँ आयुषी खुराना और यहाँ पर अमृता का किरदार निभा रही हूँ। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी, मैं पूनम गोयल का किरदार निभा रही हूँ, मैं अपर्णा घोषाल, दंगल टीवी पर रात को 8:30 बजे मन सुंदर, जिसे आप देखते रहिए। बहुत रोचक और दिलचस्प एपिसोड्स हैं आने वाले समय में, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थ्री शॉट ले लेना। हाँ, साथ में अभी साथ में, यस, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इधर देखिएगा, इधर भी देखिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। शिवलिंग कहाँ पर रखी है? हॉल में। हाँ हाँ, हॉल में ही तो रहा है। हॉल में ही है। मैं थोड़ा इधर ले लेना सबको, शिवलिंग का, ठीक है, बाइट के बाद। शोएब, वीडियो ले लेना, आ जाओ, फोटो में फिर भी देखिए, मैम थोड़ा इधर देखिएगा, सर इधर, एक बार, हाँ एक बार। महाशिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट हो रहा है शो के अंदर भी, और लोग बहुत देख रहे हैं दंगल, तो क्या कहना चाहेंगे? कि ये बहुत बड़ा एपिसोड है, हमारे मेन लीड्स निहार और रुचिता का एकदम अलग ही अवतार, अलग ही रूप, अलग ही लुक देखेंगे, और हम शूट करते हुए इतने एक्साइटेड हैं और इतना मज़ा आ रहा है, और बहुत ही बड़ा एपिसोड है ये, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ये शो में, स्टोरी लाइन में। तो अगर हम इतने एक्साइटेड हैं तो आई एम श्योर दर्शक तो इतने एक्साइटेड होंगे। आपके कैरेक्टर और सीरियल को बहुत देखा जा रहा है, दंगल टीवी में बहुत देखा जा रहा है, सारे शो बहुत अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपका प्यार है कि हम नंबर वन शो बन रहे हैं और होपफुली बनते जाएंगे। बस राइटर्स, डायरेक्टर, पूरी टीम, एक्चुअली एवरी सिंगल पर्सन ऑन द यूनिट की ये मेहनत है जिसके लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, एंड बस हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एक वर्क फैमिली बन गई है पूरी कास्ट हमारे लिए, तो स्टोरी लाइन में भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एंड होपफुली आपको भी आते रहेगा। थैंक यू।
पार्वती जी भी आई रवि के साथ जो करता और ये गुस्साई अरे कहाँ रह गई रुचिता पता नहीं हर हर महादेव हर हर महादेव सपेरा आया उसने बोला आज महाशिवरात्रि के दिन नाग देवता के दर्शन कीजिए। नरेश जी ने बोला पूनम जी आप चढ़ाने का सामान लेके आइए और आप नाग जी के दर्शन करवाइए और वो बैठा उधर और फाइनली नाग जी आए दर्शन करने लगे सब लोग हाथ जोड़े और कितने आपका लुक गया उस नाग देवता के बाहर की तरफ गया और टेंशन और पूरे बोले ये नाग तो बाहर जा रहा है उन्होंने बोले लगता है घर में किसी अशुभ हुआ है और दादी के पांव के पास आके खड़ा हो गया दादी बेचारी सुन नहीं पा रही और टेंशन और फाइनली नरेश जी गए और उन्होंने खींच लिया पीछे और आपका लुक क्या सांप अंदर की तरफ चला गया। नरेश जी चल के इस तरफ आए उन्होंने बोला ये सांप तो अंदर घर के अंदर चला गया उसने बोला घबराइए मत ये जहरीला नहीं है मैं अभी पकड़ पाऊँ इसको उन्होंने बोला चित्तू जल्दी आओ इनको लेकर जाओ सांप पकड़ने के लिए चले गए। अभी भी वही अगला कट वेट हो रहा है कुछ का वेट हो रहा है किसी की आवाज़ आई अरे पूजा है कोई मजाक थोड़ी ना कि पार्वती अभी तक नहीं आई कहाँ रह गई पार्वती। अच्छा हाँ मैं आप बोल देना लो आ गए लो आ देख के ना जैसे आपने देखा ना कि आपकी बेटी है आप लो पार्वती रेडी रूल इट्स रोलिंग एक्शन टेंशन देखा चली आ रही है आगे इधर खड़ी हुई घुंघट घुंघट के अंदर आ गई है। जय जय कुशल आप ले लेना रुचि बेटा चेहरा दिखा दो जी हाँ रेडी हाँ घुंघट दिखा हाथ जोड़ी लोगों ने लोग खोलो थोड़ा हाथ जोड़ने से एक हाँ मैं हाथ जोड़ने से एक एक्शन और बहुत सॉरी कितनी प्यारी लग रही है रेडी अरे लो बेटा ये ऐसे एक्टिंग एक्टिंग बहू है।